कोरोना वायरस से लोग जहां पर तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी होने लगी है। जमातियों के देश भर में जाने का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि मोदी ने हवाई मार्ग बंद करने में देर कर दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मोदी जी ने सही समय पर हवाई मार्ग बंद किया, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने एक विधायक के रिश्तेदार के लिए राज्यपाल से लेटर लिखवाकर यहां पर किर्गिस्तान हवाई यात्रा करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में जमातियों का पनाघा बन चुका है अब, और कवर्धा में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज कांग्रेस के एक विधायक के परिजन जो किर्गिस्तान में रहते हैं, उनको लाने के लिए राज्यपाल महोदय से भी पत्र लिखवाया गया, लाने की पहल की गई, और इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर देने की बात करते हैं। सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों के जमातियों का आना जाना चालू हो गया है, ये सेफ जोन हो गया है, आरामगाह बनता जा रहा है, उन्हें यहां पनाह दिया जा रहा है। जमात के लोगों की पहचान की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है वे बाजार में घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। रायपुर